हाय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रोलिंग एंड रोलिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रोलिंग क्या होता है वो इस वीडियो में सीखते हैं। रोलिंग क्या होता है ये समझते हैं, प्योर रोलिंग क्या होता है ये भी समझते हैं, और किसको प्योर रोलिंग कहते हैं, तो प्योर रोलिंग क्या होता है और रोलिंग क्या होता है। देखिए, रोलिंग क्या है, सपोज कीजिए, रोलिंग को ऐसे समझिए, बहुत इजी से समझ में आ जाएगा आपको। सपोज कीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है, एक बक्सा है, ठीक है। अब इसे अगर आप फोर्स लगाते हैं यहाँ पर लेफ्ट से हॉरिजॉन्टली, तो ज़्यादा चांसेस क्या है कि ये बक्सा स्लाइड कर जाएगा, ये ब्लॉक दाहिने तरफ स्लाइड कर जाएगा। यहाँ पर फोर्स लगाइए, जितना नीचे फोर्स लगाइएगा उतना चांस रहेगा कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, टॉपल नहीं करेगा, मतलब ये स्लाइड करेगा। इस फोर्स को धीरे धीरे ऊपर करते जाइए, ऊपर करते जाइए, तो जब सेंटर ऑफ मास पे फोर्स रहेगा तो इस फोर्स पर एकदम आराम से ये क्या करेगा, टॉपल नहीं करेगा और आगे की तरफ स्लाइड करेगा। उसका रीज़न होता है कि टॉर्क कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो टॉर्क के बारे में अगर पढ़े हैं पहले तो ठीक है, नहीं तो वो टॉर्क का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रोटेशन के लिए इसको टॉर्क चाहिए और ट्रांसलेशन के लिए केवल फोर्स चाहिए। तो जब सफिशियंट टॉर्क जीरो रहेगा, जब टॉर्क जीरो रहेगा तो रोटेशन नहीं होगा, कोई रोटेशनल कंपोनेंट नहीं है, और फोर्स जो है वो लग रहा है, तो अगर फ्रिक्शन का सफिशिएंट है तो मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन को फोर्स ओवरकम कर दे रहा है तो ये दाहिने तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर इसी फोर्स को ऊपर धीरे धीरे करते जाइएगा और यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, सपोज कीजिए कि फ्रिक्शन ऐसा है कि अब वो इसको रोक नहीं पा रहा, या तो स्लाइड करेगा या वो आगे की तरफ झुक जाएगा, टॉपल होगा। तो क्या होगा, कैसे होगा, वहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग हमें समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये ब्लॉक है, ठीक है, रफ सरफेस है, और इस ब्लॉक को हमने क्या किया है, एक ऊपर में फोर्स लगाया है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक इस कॉर्नर वाले पॉइंट के अबाउट में, ठीक है, एज्यूम कीजिए देयर इज सफिशियंट फ्रिक्शन, बहुत इतना ज़्यादा फ्रिक्शन है कि वो आगे की तरफ नहीं मूव कर पा रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ, तो ब्लॉक सरफेस को छोड़ नहीं रहा है, सरफेस को यहाँ पर पकड़े हुए हैं, और जैसे जैसे ये फोर्स आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ब्लॉक आगे की तरफ क्या हो रहा है, टिल्ट हो रहा है। मतलब ये वाला कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर ऐसे लग रहा है जैसे हिंज हो गया है, इस कॉर्नर को छोड़ नहीं रहा है और ब्लॉक आगे की तरफ टॉपल होगा, ठीक है, ऐसे जो है ब्लॉक ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको टॉपलिंग बोलते हैं, ये टॉपल होता है, ठीक है। तो ओ के अबाउट में एफ फोर्स की वजह से ब्लॉक, एफ विल ट्राई टू क्या, टिल्ट द ब्लॉक, ब्लॉक को टिल्ट करने का कोशिश करेगा क्लॉकवाइज। इसी तरह से इस डायग्राम में आ जाइए, तो ये क्या था, ये फोर फेसेस था, इसमें एक रेक्टेंगल लिया था, ठीक है, सेम ब्लॉक सेम शेप का, अगर एज्यूम कीजिए कि सेम एरिया का, जितना एरिया है उतने ही एरिया का एक डिस्क यहाँ पर लेते हैं, और इसका जो है ना रेक्टेंगुलर से हमने इसे क्या बना दिया है, यहाँ पर हेक्सागन है, दो दो चार, ठीक है, हेक्सागन है, अब हेक्सागन है, और सेम हाइट पर हम फोर्स लगा रहे हैं इसी तरह से। तो बताइए किस केस में जो टॉपलिंग होगा वो इजी होगा, मतलब आराम से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, आराम से ऐसे हो जाएगा। फ्रिक्शन इस केस में भी सेम है, उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये अपोज कर रहा है, फोर्स को ट्रांसलेट नहीं होने दे रहा है बॉडी को, लेकिन टॉपलिंग अभी भी होगा। और इस केस में मतलब दूसरे वाले केस में टॉपलिंग ज़्यादा आसान होगा, ये कॉमन सेंस आपका बोलता है, ठीक है। हम लोग टॉर्क से एनालिसिस करेंगे अगर, तो पता चल जाएगा कि इस केस में रोटेशनल कंपोनेंट, मतलब कि जो टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये इस पॉइंट के अबाउट में टॉपल करने की कोशिश करेगा, कॉमन सेंस से सब समझ में आ जाएगा। देखिए, फिर अगर इसका साइड मैंने और बढ़ा दिया, ठीक है, ये जो हेक्सागन था उसको मैंने और बढ़ा दिया, या ऑक्टागन हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये ऑक्टागन हो गया, तो ऑक्टागन हो गया तो और आसान हो गया इसको टॉपलिंग करना। तो जैसे जैसे देखिए हम लोग ये बढ़ा रहे हैं, साइड बढ़ा रहे हैं, उसको राउंड करते जा रहे हैं धीरे धीरे, वैसे वैसे हम लोग देखेंगे क्या कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से क्या होता है, उसका टॉपलिंग इफेक्ट जो है वो ईजी हो जाता है, मतलब एक किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट में रोटेट करने का टेंडेंसी बढ़ते जाता है। तो वो देखिए यहाँ पर हो गया है इस समय, ठीक है। इन सारे केसेस में अगर आप नॉर्मल रिएक्शंस को ऑब्जर्व कीजिएगा, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इसके अबाउट में ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है,
जो सेंटर ऑफ मास जहाँ से एम जी लग रहा है और ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो देखिएगा क्या होता है, घटते जाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन ही है जो इसको टॉपल होने से बचाता है, और नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क है कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मल रिएक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, और आपका जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज टॉर्क देने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें यही होता है कि फोर्स अगर नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क से ज़्यादा हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, तो वो जहाँ से एम जी आ रहा है तो वो क्या होगा, टॉपल कर जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग इस साइड को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ चार साइड था, यहाँ छः साइड हो गया, यहाँ आठ साइड हो गया, यहाँ 10 साइड हो गया, 12 साइड हो गया। तो जैसे जैसे साइड को बढ़ाते जा रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दे रहे हैं, तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन घटते जा रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और एम जी के बीच का, जहाँ से एम जी गिर रहा है वहाँ के बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो टॉर्क तो डिस्टेंस और फोर्स दोनों पे डिपेंड करता है। तो रोटेशनल कंपोनेंट जो है वो फोर्स की वजह से वो ओवरकम कर रहा है इसको नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क को। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि टॉपलिंग इफेक्ट बढ़ते जा रहा है, और हर केस में क्या होता है, जहाँ जहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन निकल रहा है एक तरह से, वहाँ ये इसी पॉइंट के अबाउट में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, टॉपल हो रहा है। तो इस केस में ऐसे हो जाएगा इस तरह से, और अगर बढ़ा दीजिए आप, तो ये अगर आप इस सीक्वेंस को देखते जाइए तो आपको लगेगा कि जो सर्कुलर एकदम प्योर सर्कुलर डिस्क है उस केस में क्या होता है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स, एकदम इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। तो जैसे ही फोर्स आप लगाइएगा सेंटर ऑफ मास के ऊपर, तो इसका टॉर्क जो है वो उसको टॉपल करेगा, उसको आगे की तरफ रोल कराएगा। तो ये जो पॉइंट जो है वो धीरे धीरे बाएं तरफ आते हैं, तो एक सेंटर ऑफ मास के लाइन के बराबर आ जाता है यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब हो गया, और हर केस में हम लोग देख रहे हैं कि इसी पॉइंट के अबाउट में बॉडी रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस सर्कुलर डिस्क को देखिए तो क्या होगा कि ये पॉइंट जो है मूव नहीं करता है जिसके अबाउट में वो टॉपल कर रहा है, ठीक है, मुड़ रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग, ये पॉइंट जो है रेस्ट में रहता है। तो जिस पॉइंट से सर्कुलर डिस्क बॉडी से अटैच्ड है, सरफेस से फिक्स्ड है, अटैच्ड है नॉट फिक्स्ड, सटा हुआ है, तो उसी पॉइंट के अबाउट में बॉडी क्या होता है, रोटेट करता है। इन प्योर रोलिंग क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है रिमेंस एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अपोजिट सर्फेस। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाला रेस्ट में है, ये वाला रेस्ट में है, ये वाला रेस्ट में है, ये वाला रेस्ट में, ये वाला रेस्ट में, सर्कुलर में आ जाएंगे तो जहाँ पर वो सिंगल पॉइंट पे कांटेक्ट में है वो रेस्ट में है। मतलब जो डिस्क के ऊपर में जो वो पॉइंट है वो पॉइंट मूव नहीं करता है ड्यूरिंग रोलिंग, उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, उस इंस्टेंट पे वो मूव नहीं करता है। आप देखिए ना, ऐसे अगर हम एक छोटा सा इंस्टेंट लीजिए और ऐसे ऐसे थोड़ा सा, तो वो ये पॉइंट स्थिर रहता है, मूव नहीं करता है। तो ये आपका प्योर रोलिंग का कंडीशन हो गया, और ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है। इन प्योर रोलिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ द रोलिंग सर्फेस इज जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ सर्फेस रेस्ट में है इसलिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर सर्फेस मूव कर रहा होगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेस जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ बाईसाइकिल टायर, बाईसाइकिल का टायर लीजिए, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए क्या है, ये एक टायर का स्पोक है, ठीक है, येलो कलर में मैंने एक स्पोक दिखाया हुआ है। अब राइट की तरफ अगर हम टायर को ये करें, रोलिंग कराएं, मतलब कि ये वाला इस पर घिसना नहीं चाहिए सरफेस पे, बल्कि रोल करना चाहिए, जो हमने अभी सीखा है प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट। तो जब ये आगे की तरफ ऐसे ऐसे रोल करेगा तो ये वाला स्पोक को अगर आप ध्यान से देखते रहिएगा तो ये स्पोक यहाँ आएगा, फिर आगे बढ़ते रहेगा रोल करते हुए, स्पोक वापस अपने पोजिशन पर आ जाएगा। तो जब ये स्पोक, ये वाला येलो वाला स्पोक एक राउंड पूरा करने के बाद वापस अपने पोजीशन पे आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर वो कितना ट्रैवल किया है, जियोमेट्री से आप देखिएगा, पहले ये वाला और फिर ये वाला पूरा का पूरा जो है सरफेस से टच किया है, एक सर्कमफेरेंस टच करता है सरफेस पे, तो पूरा ये स्पोक वापस अपने आ, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2πr होगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस 2πr होता है। तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया है और स्पोक वापस अपने पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब कि एंगुलर कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट, बोलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कितना हो गया है 2π, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का कितना हो गया है 2πr। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो रोटेशन जो है, एंगुलर रोटेशन जो स्पोक का उसमें, और जो सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ मूव किया उसमें क्या रिलेशनशिप है।
प्योर रोलिंग में, तो 2 पाई एंगुलर हो गया, 2 पाई आर लीनियर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो स्पोक ट्रेसेस 2 पाई एंगल इन द सेम टाइम इन विच सेंटर मूव्स 2 पाई आर डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए v सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सपोज कीजिए ओमेगा टाइम ओमेगा है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं सम टाइम, जो इस टाइम लगा होगा वो कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, वन सर्कुलर मोशन किया है तो 2 पाई बाई ओमेगा, सिंपल डिस्टेंस, सिंपल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, जो समय बराबर होता है ना, समय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, वो फॉर्मूला लगा दिए हम लोग। और सेम हम अगर लीनियर में लगाते हैं तो वो हो जाता है 2 पाई आर बाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहाँ से हम लोग पाते हैं वी इज इक्वल टू वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओमेगा आर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा आर कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग कहा जाता है। तो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग बिल्कुल समझ में आ गया क्या होता है, वी सेंटर ऑफ मास ओमेगा आर, क्योंकि ये कहाँ से आया है, ये इस चीज़ को एज्यूम करके आया है कि जो लोएस्ट पॉइंट है जहाँ पर ये सरफेस को टच कर रहा है व्हील, वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, जो कि प्योर रोलिंग का कंडीशन है। तो उसी कंडीशन से डिराइव होकर के ये आ रहा है हमारे पास कि वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओमेगा आर, सेंटर ऑफ मास इस तरफ से मूव कर रहा है और ये रोल भी कर रहा है। तो इस तरह से आप हमारे पास जिसे ऐसे 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 जा रहा है ना ऐसे, तो ये हमारे पास आ गया कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, दिस इज कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। और इसको हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रॉब्लम में प्योर रोलिंग की बात करें तो हम लोग मानेंगे कि वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओमेगा आर जो है वैलिड है, ठीक है। अब देखिए, व्हेन व्हील इज नॉट स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग का मतलब स्लीपिंग नहीं हो रहा है, स्लीपिंग होगा तब जब पॉइंट देयर विल बी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस, जब सरफेस और बॉडी के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा तब हम लोग बोलेंगे कि स्लिपिंग है, अदरवाइज ये प्योर रोलिंग है। तो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, व्हेन सरफेस इज एट रेस्ट, बट जब सरफेस मूव करेगा तो क्या होगा, मोर जनरली हम लोग इसको लिखेंगे वी सेंटर ऑफ मास माइनस वी सरफेस इक्वल टू ओमेगा आर, ये वी सरफेस है, सरफेस का स्पीड वेलोसिटी सरफेस, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये ओमेगा आर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो वी सेंटर ऑफ वी सरफेस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सरफेस हो गया, ये जो मैंने बताया, ठीक है। और इस चीज़ से समझिए डायग्राम से, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये वेलोसिटी ऑफ सरफेस है, मान लीजिए किसी ट्रक पे रखा हुआ है तो ट्रक का जो वेलोसिटी होगा ये वेलोसिटी ऑफ सरफेस हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, ये ओमेगा हो गया। तो ये क्लियर हो गया आपको, सपोज कीजिए वी सी माइनस वी एस जब होगा मोर देन ओमेगा आर होगा, यहाँ पर वी एस मिस्टेक होगी, यहाँ पर वी एस करिए, मोर देन ओमेगा आर होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको मोर देन ओमेगा आर, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं केस ऑफ फॉरवर्ड स्लीपिंग, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो है वो तेजी से भाग रहा है, मतलब स्लीपिंग हो रहा है, आगे की तरफ स्लिप कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से आगे की तरफ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड स्लीपिंग, ठीक है। हैपेंस व्हेन यू अप्लाई ए सडन ब्रेक वाइल रोटेट्स ए लिटिल, तो ये उस केस में होता है कि आप चला रहे हैं साइकिल, बाइसाइकिल, कार, एनीथिंग, और अचानक से जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि घूमना तो बंद हो जाता है लेकिन गाड़ी कुछ आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो ये फॉरवर्ड स्लीपिंग है। एक अचानक तो घूमना नहीं बंद होता है, थोड़ा थोड़ा घूम करके लेकिन आगे की तरफ तेज़ी से बढ़ता है, तो इसे हम लोग रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लीपिंग कह सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड स्लीपिंग होता है, वो प्योर रोलिंग नहीं हुआ। और जब ये कंडीशन होता है वी सी माइनस वी एस इज लेस देन ओमेगा आर, तो इसका मतलब होता है रोलिंग ज़्यादा हो रहा है, आगे की तरफ कम भाग रहा है, इसको बैकवर्ड स्लीपिंग बोलेंगे हम लोग। बैकवर्ड स्लीपिंग, मान लीजिए आपका कार जो है वो किसी कीचड़ में फंस गया है और आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेलरेटर दबा रहे हैं लेकिन कार आगे की तरफ बढ़ नहीं रहा है, लेकिन चक्का पूरा का पूरा उसी कीचड़ में घूम रहा है और थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, हल्का सा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड स्लीपिंग। ये क्लियर हो गया। इन प्योर रोलिंग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो ओमेगा आर के बराबर होता है, और ये हमने देखा है जब सरफेस मूव नहीं कर रहा हो। और तो इसका डेरिवेटिव लीजिएगा तो एक्सेलरेशन के एक रिलेशन आ जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा आर होता है, दिस इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग।
तो प्योर रोलिंग ये एक्सेलरेशन को रिलेट कर दिया। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये है लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इन दोनों के बीच का रिलेशन यहीं से आ जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने वो रिलेशन, ये रिलेशन है, इसी तरह से यहाँ पे ए सी माइनस ए एस इक्वल टू अल्फा आर कर सकते हैं, ठीक है। प्योर रोलिंग में ए सी मतलब सेंटर ऑफ मास माइनस सरफेस का एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा आर। तो ये प्योर रोलिंग का कंडीशन है, इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से अप्लाई किया गया है, ठीक है।